हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ मैथ्स एक्सरसाइज 2.1, इसका थोड़ा सा हम रिवीजन करवा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। ये है हमारी फिल इन द कॉलम्स विद द करेक्ट नंबर्स एज पर द इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको फिल करना है। तो इंडियन सिस्टम के अंदर क्या होता है, वंस टेंस हंड्रेड, ये थ्री डिजिट के बाद कॉमा, उसके बाद एवरी टू डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। तो 286, वंस प्लेस पे क्या है, सिक्स है, टेंथ प्लेस पे एट है, हंड्रेड प्लेस पे टू है, थाउजेंड प्लेस पे थ्री है, टेन थाउजेंड प्लेस पे सिक्स है, और लैक प्लेस पे फोर है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से ये फिल हो गया हमारा। इसी टाइप से इसको भी फिल कर लेंगे, इसको भी फिल कर लेंगे, ये आप अपने आप से वर्क करोगे। नेक्स्ट है फिल द कॉलम्स विद द करेक्ट नंबर्स एज पर द इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि ये थ्री थ्री के कॉमा लगाते हैं। जैसे ये है थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। सबसे पहले वंस में आते हैं, थाउजेंड्स में आते हैं, मिलियंस में आते हैं, उसके बाद बिलियंस में आते हैं, उसके बाद ट्रिलियंस में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा 318, तो 318 हमारा यहाँ हो गया फर्स्ट प्लेस पे। 507 थाउजेंड प्लेस पे हो जाएगा, 507 थाउजेंड प्लेस पे हो जाएगा, और उसके बाद 631, तो 631 हमारा मिलियंस में हो जाएगा। उसके बाद थ्री डिजिट आपके बिलियंस पे होते हैं, थ्री डिजिट्स आपके ट्रिलियंस पे होते हैं। तो इस टाइप से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये आपका हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। अगर इसकी रीडिंग करने की बात आए तो कैसे रीडिंग करोगे, 331,507,318। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम इनकी रीडिंग करेंगे। इसी टाइप से आके है आपका राइट द कॉमास, ऑब्जर्व द कॉमा केयरफुली। हमें कॉमास का नेम्स बताने, ये हमारा इंडियन सिस्टम के हिसाब से है, इंडियन सिस्टम, इंडियन, और ये हमारा थ्री थ्री डेट के बाद कॉमा लगा तो इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम। ऐसे ही ये हमारा इंडियन सिस्टम है, ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम, ये भी इंटरनेशनल सिस्टम है, ये भी इंटरनेशनल सिस्टम है, इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, बस इतना देख लेना आपको, थ्री डेट के बाद कॉमा, उसके बाद टू डेट के बाद कॉमा लगा रखा है, तो समझ लो वो आपका इंडियन सिस्टम है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम इन्हें फिल कर लेंगे। आगे है राइट द नंबर्स, इसके नंबर्स लिखने हैं 825,314। अगर 825,000 मतलब 100 के बाद 1000 आ रहा है, इसका मतलब ये इंटरनेशनल सिस्टम है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 825,314। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम फिल करेंगे। इसी टाइप से ये हमारा 64 लाख, ये क्या, अगर लैक आ गया समझ लो कि आपका इंडियन सिस्टम आ गया, तो 64 लाख। आप ऐसे ना करके आप वंस टेंस हंड्रेड इस टाइप से लिख लो, उसके बाद में यहाँ पे कर सकते हो आप। जैसे हमने लिखा है वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड टेन थाउजेंड, लैक टेन लैक। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से, तो 64 लाख, 64 लाख, 11,405, यहाँ इस टाइप से आ जाएंगे 64,11,405। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम इन्हें फिल करते चले जाएंगे। यहाँ हमारे पास 6,240,722 मिलियन में है, तो वंस टेंस हंड्रेड। ओके, उसके बाद में वंस टेंस हंड्रेड ऐसे ना लिख के हम क्या लिखेंगे, थाउजेंड, टेन थाउजेंड और हंड्रेड थाउजेंड। उसके बाद में हमारा मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे केवल 6 मिलियन आया, तो 6 मिलियन हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 240,722। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका फिल हो गया। इसी टाइप से हम राइट करेंगे इनको। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस टाइप से एक्सरसाइज आप कर लेना कंप्लीट। आगे क्वेश्चंस हैं हमारे, आगे क्या करना है, रीराइट द नंबर्स इंटरनेशनल सिस्टम एज पर द इंडियन सिस्टम।